मैं डॉक्टर जवाहरराम सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र राजकीय महाविद्यालय का। आज हम प्रति परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या प्रति परिवर्तन क्या है, उसके नियम क्या है, जो चारों तरक वाक्य है, ए तरक वाक्य, ई तरक वाक्य, आई तरक वाक्य, ओ तरक वाक्य, इनका प्रति परिवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग हर बार प्रश्न आता है इसका। तो इसके जो रूल्स हैं, इसके क्या है प्रति परिवर्तन के, जो भी तर्क वाक्य दिया गया है उसका सबसे पहले हमें उस तर्क वाक्य, जैसे ए तर्क वाक्य, उसका हमें प्रतिवर्तन करना है। सबसे पहले उसका प्रतिवर्तन करना, जो प्रतिवर्तन के पहले जो आपको कराया है उसके रूल्स पहले फाइल उस पर लागू करने होंगे सबसे पहले, फिर उसका पुनः उसका परिवर्तन किया जाता है और अंत में पुनः प्रतिवर्तन कर दिया, वापस प्रतिवर्तन कर दिया जाता है। तत्पश्चात जिसकी प्राप्ति होती है वह प्रति परिवर्तन कहलाता है। प्रतिवर्तन मतलब सबसे, जैसे ए तरह का वाक्य है तो उसका हम प्रतिवर्तन करेंगे, सबसे पहले ए तरह का उसका प्रतिवर्तन करेंगे, फिर उसका परिवर्तन करेंगे पुनः उसका, फिर उसके बाद प्रतिवर्तन और करेंगे, उसके बाद जो प्राप्त होगा वो प्रति परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम देख रहे हैं स्क्रीन पर ई तर्क वाक्य, ई तर्क वाक्य है जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो इसका हमें प्रतिवर्तन करना है। सबसे पहले प्रतिवर्तन में पहले ही मैं बता चुका हूँ कि उद्देश्य पद का ज्यों का, जो उद्देश्य पद है किसी भी तर्क वाक्य का, उसको ज्यों का त्यों रखना है, और विधेय के उसका विधेय के स्थान पर उसका व्याख्या थी, अगर कोई मरणशील है तो अमरणशील कर देना है। तो जैसे ई तर्क वाक्य है, ई तर्क वाक्य का हम देखते हैं प्रतिवर्तन ई तर्क वाक्य में होता है, तो हम ई तर्क वाक्य को सबसे पहले ई में प्रतिवर्तन करेंगे। तो सभी मनुष्य मरणशील है, इसको अगर हम ई तर्क वाक्य में करते हैं तो कोई मनुष्य अमरणशील नहीं है, ये इसका प्रतिवर्तन हो जाएगा। फिर अब हमें जो ई तर्क वाक्य है, कोई मनुष्य अमरणशील नहीं, इसका परिवर्तन करना है। तो अपन देखते हैं ई तर्क वाक्य का परिवर्तन किस में होता है, तो ई तर्क वाक्य का जो परिवर्तन ई में ही होता है। और परिवर्तन का रूल्स क्या है, परिवर्तन का रूल्स ये है कि उद्देश्य के स्थान पर विधेय और विधेय के स्थान पर उद्देश्य को कर देते हैं। तो आप देखो ये जो ई तर्क वाक्य है, कोई मनुष्य अमरणशील नहीं है, इसका हम परिवर्तन करेंगे तो कोई अमरणशील मनुष्य नहीं है, उद्देश्य के स्थान पर विधेय और विधेय के स्थान पर उद्देश्य हो जाएगा, ये हो गया परिवर्तन इसका। अब इसका पुनः हमें प्रतिवर्तन करना है, पुनः हम प्रतिवर्तन करेंगे तो ई तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन पुनः देखते हैं तो ई तर्क वाक्य में होता है। तो ई तर्क वाक्य में हम करेंगे, ई तर्क वाक्य में हम क्या करते हैं, उद्देश्य का को ज्यों का त्यों रखते हैं और विधेय के स्थान पर उसका व्याख्या भी कर देते हैं। ई तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन ए में होता है, तो कोई की जगह सभी अमरणशील अमनुष्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ई तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन हमेशा ए का ए में ही होता है, ए का ए में ही होता है। जैसे ए सभी मनुष्य अमरणशील है तो इसका प्रति परिवर्तन क्या होगा, सभी अमरणशील अमनुष्य है। उसी प्रकार हम ई तर्क वाक्य की भी बात करते हैं, ई तर्क वाक्य को देखो, कोई मानव देवता नहीं है, ये ई तर्क वाक्य है, इसका हमें प्रति परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके हमें प्रतिवर्तन करना है, तो ई तर्क वाक्य का जो प्रतिवर्तन होता है ए तर्क वाक्य में होता है। ए तर्क वाक्य में क्या करना है हमको, प्रतिवर्तन में उद्देश्य पद को ज्यों का त्यों रखना है और विधेय के स्थान पर उसका व्याख्या भी कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ई तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन, सभी मानव अदेवता हैं,
सभी मानव अदेवता है। अब इसका हम परिवर्तन करेंगे, इसका हम परिवर्तन जो आया है ए तर्क वाक्य उसका हमें परिवर्तन करेंगे। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको ए तर्क वाक्य का परिवर्तन आई तर्क वाक्य में होता है। और हम क्या करते हैं इसमें परिवर्तन में, उद्देशी के स्थान पर विधेय और विधेय के स्थान पर उद्देशी को ले जाते हैं। तो सभी मानव अदेवता को आई में हम करेंगे परिवर्तन, तो कुछ अदेवता मानव है, कुछ अदेवता मानव है। अब आई तर्क वाक्य का हमें पुनः क्या करना है, प्रतिवर्तन करना है। तो आई तर्क वाक्य में जब पुनः प्रतिवर्तन किसमें होता है, ओ तर्क वाक्य में। और क्या करना हमें, उद्देश्य का तो ज्यों का त्यों रखना है और उद्देश्य के स्थान विधेय के स्थान पर उसका व्याख्या भी करना है। तो कुछ अदेवता अमानव नहीं है। तो इस प्रकार ई तर्क वाक्य का जो प्रति परिवर्तन होगा ओ तर्क वाक्य में हो जाएगा। आगे चलते हैं हमें आई तर्क वाक्य। आई तर्क वाक्य में कुछ मानव पशु, कुछ मानव पशु है, इसका हमें क्या करना, प्रति परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिवर्तन करते हैं। प्रतिवर्तन के पहले ही मैंने रूप बता दिए हैं, उद्देश्य पद को हमें ज्यों का त्यों रखना है लेकिन विधेय के स्थान पर उसका व्याख्या भी करना है। तो आई का जो प्रतिवर्तन होता है वो ओ में होता है, तो हम कुछ मानव अपशु नहीं है कर देंगे आई का ओ में। अब हमें ओ का परिवर्तन करना है, ओ का परिवर्तन करना है। लेकिन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ जो परिवर्तन के जो रूल्स और जो नियम हमने परिवर्तन किए उसमें हमने देखा ओ का परिवर्तन संभव नहीं है, ओ का परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसका मतलब इस सीरीज श्रृंखला से हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसका मतलब आई का जो प्रति परिवर्तन भी संभव नहीं है। इसलिए आई तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन ओ तर्क वाक्य में तो होता है और ओ तर्क वाक्य का परिवर्तन संभव नहीं होता है, इसलिए आई तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन भी संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं ओ तर्क वाक्य की। ओ तर्क वाक्य की जब हम बात करते हैं प्रति परिवर्तन करते हैं ओ तर्क वाक्य का, तो देखते हैं जैसे कुछ मानव शाकाहारी नहीं है, कुछ मानव शाकाहारी नहीं है, इसका हम करेंगे सबसे पहले तो हम प्रतिवर्तन करेंगे। तो ओ तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन होता है जो आई में होता है, और आई में भी होता है लेकिन इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखने की बात है उद्देश्य पद का ज्यों का त्यों रखना है और विधेय के स्थान पर उसका व्याख्या भी करना है। तो देखो कुछ मानव अशाकारी है, ये इसका प्रतिवर्तन हो जाएगा ओ का। अब हमें जो प्राप्त हुआ है प्रतिवर्तन से आई तर्क वाक्य उसका करना है परिवर्तन। तो आई तर्क वाक्य का परिवर्तन मैं पहले ही बता चुका हूँ आई का आई में होता है। और परिवर्तन में हमने क्या ध्यान रखा है, उद्देश्य के स्थान पर विधेय और विधेय के स्थान पर उसका उद्देश्य कर देते हैं। तो हम करते हैं जैसे कुछ अशाकाहारी मानव है, ये हो गया इसका परिवर्तन। अब इसका पुनः हम प्रति परिवर्तन करते हैं, तो इसका हो जाएगा कुछ अशाकाहारी अमानव नहीं है ओ तर्क वाक्य। इस प्रकार हम देखते हैं कि ओ तर्क वाक्य जब कुछ मानव शाकाहारी नहीं है का प्रति परिवर्तन कुछ अशाकाहारी अमानव नहीं है, मतलब ओ तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन ओ में होता है। आगे हम देखते हैं ये मूल तर्क वाक्य कभी इस प्रकार भी दे सकते हैं, तो सभी उद्देश्य विधेय है, इसका प्रति परिवर्तन क्या होगा, सभी अवी है। इसी प्रकार जो ये ई आई ओ ये इस प्रकार हम देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है हमारी कि ए तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन किसमें होता है, ए तर्क वाक्य का ए में ही होता है, ई तर्क वाक्य किसमें, तो ई का ओ में होता है, आई तर्क वाक्य का संभव नहीं है, और ओ तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन किसमें होता है, ओ तर्क वाक्य में ही होता है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि परिवर्तन और प्रतिवर्तन और प्रति परिवर्तन ये आपको याद हो जाएंगे।
अच्छी तरीके से, क्योंकि जो प्रति परिवर्तन वाला जो ये पूरी श्रृंखला है, प्रति परिवर्तन, परिवर्तन और प्रतिवर्तन पर ही डिपेंड है। आपको परिवर्तन और प्रतिवर्तन आ जाएगा, प्रति परिवर्तन, प्रति परिवर्तन स्वतः ही हल हो जाएगा। धन्यवाद।